बारामूला जिले के जिला प्रशासन के सोशल वेलफेयर विभाग ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए 100 स्कूटियां बांटी। इस कार्यक्रम में एडीसी, एसडीपीओ, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी बारामूला, नगर समिति के प्रेसिडेंट और सोपोर के एसएचओ भी उपस्थित थे। बारामूला के लिए कुल मिलाकर 470 स्कूटियां बेनिफिशियरीज को बांटे जाने की योजना है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 474 बेनिफिशियरीज इसमें कवर हो रहे हैं, तो उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। आज ये दूसरा मरहला है जिसमें हम आज तकरीबन 100 के करीब जो स्कूटीज है इन बेनिफिशियरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम फिर अगले हफ्ते चलता रहेगा जब तक न सारे जो 474 बेनिफिशियरीज है उनको ये मिल जाए। तो ये जो स्कूटी है, इस साल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इसमें बड़ा ही मान लीजिए खुल के इसमें सहायता की है और हम सैचुरेशन के लेवल पर इसमें पहुँच गए हैं। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, एडीसी साहब को वेलकम करता हूँ, मास्टर मैडम को वेलकम करता हूँ, रही साहब सबको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं इजाज़त मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सजाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा इसमें इनको और वेलकम करें और उसके बाद इनको जो फीस है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। सजाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडीसी साहब, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल, एसडीपीओ साहब, आरडीडीसी मेंबर, बेनिफिशरीज और उनके साथ जो लोग आए हैं इनका वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है स्कूटीज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पेशली एबल्ड पर्संस। तो ये बात मैं जो कहता हूँ इसमें बड़ी खुशी है कि हमें थ्रू आउट द यूपी सबसे ज़्यादा स्कूटीज सेंक्शन हुई है, विच इज़ 474। तो गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है टू एम्पावर आवर स्पेशली एबल्ड पर्संस। हमारी जो स्पेशली एबल्ड भाई हैं उनको गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है ताकि वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो आसानी से वो बसर कर सके, वो अपने इन स्कूटी से वो अपना लाइवलीहुड भी कमा सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे इसमें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ गिविंग लेग्स टू देम। लेकिन इसके साथ साथ मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो ये जो सेंक्शन स्कूटी है वो खुद ही चलाएँ। इन केस ये पाया गया कि कोई दूसरा बंदा इसको चला रहा है या इसकी जो रेट्रोफिटिंग है वो इसके बगैर है स्कूटी, तो ये इसका चालान नहीं होगा, ये डायरेक्टली सीज हो जाएगी, इसका वो खास ख्याल रखें। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो खुद ही चलाएंगे इसको और अच्छी तरह से सीखें ताकि ये उनके लिए कारगर और मुफीद साबित हो। मैं आज बहुत खुद खुश हूँ जो ये डिसेबल पर्सन को ये स्कूटी जो मिल रही है, ये उनको अपनी टांग वापस मिल रही है। जहाँ पे ये जा नहीं पाते वहाँ पूछते हैं, क्योंकि आज देखो हर किसी जो भी यहाँ पे डिसेबल पर्सन मौजूद है, आप उनसे पूछो, उनके चेहरे पे देखो कितनी मुस्कान है इस वक्त, क्योंकि इनको अपनी टांग वापस मिल रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्राइस जो है स्कूटियों का, ये आइंदा भी जारी रखना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को मैं देता हूँ, गवर्नमेंट को भी देता हूँ, और जो इनको आगे भी चलाता है उनको भी देता हूँ। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि इनको जो भी अभी पड़े हुए हैं डिसेबल, उनको भी ये मिल सके, और जो स्कूटी नहीं चला पा सकते हैं उनको कोई और स्कीम होना चाहिए। जो घर में मतलब ज़्यादा डिसेबल है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कोई स्कीम निकलना चाहिए। नाजिम अहमद मगलू है, मैं सालू साहब बारामूला से हूँ, और मैं पिछले 5 सालों से इस स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन तब वो नहीं मिली, लेकिन इस साल मुझे मिल गई। पिछले साल मैंने 2022 में अप्लाई किया था, इस साल मुझे मिल गई ये स्कूटी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एलजी साहब और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिसने मुझे ये स्कूटी फराहम की। इससे मुझे काफ़ी सहूलियात कॉलेज जाने में आएगी, जैसे कि पहले मैं जो कॉलेज जाता था मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि मैं पैदल जाता था कॉलेज, कभी कभी गाड़ी मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी, और पैसों की किरायों की कमी भी थी, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलती थी। तो जब मैं पैदल जाता था 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था, फिर मेरी टांग में दर्द होता था, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाता था, फिर मैं किसी गाड़ी का वेट करता था, उसमें चढ़ता था, फिर कॉलेज जाता था। लेकिन आज मुझे ये स्कूटी फराहम की गई है, तो इससे मुझे काफ़ी राहत मिलेगी और मैं अच्छे से कॉलेज जा सकता हूँ।
तो मैं इसका क्रेडिट जो एलजी साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसके लिए उन्होंने मेरी स्कूटी फराहम की।